नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यभट्ट न्यूज। खबर मुंगेर जिले से है। आम बजट में कुछ खास वर्गों की उपेक्षा और कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई के साथ ही जमालपुर कारखाना की उपेक्षा से आहत समाजवादी पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का पुतला फूका। अपने आक्रोश का इजहार किया जिला अध्यक्ष पप्पू यादव ने नेतृत्व में सपाइयों ने जिला मुख्यालय के समीप मार्ग पर प्रदर्शन करते हुए रोको महंगी, बांधो दाम, नहीं तो चक्का जाम आदि गगनभेदी नारे लगा रहे थे। वित्त मंत्री खोलो कान, वित्त मंत्री खोलो कान, नरेंद्र मोदी होश में आओ, नरेंद्र मोदी होश में आओ, इनकलाब जिंदाबाद। कल केंद्र सरकार के वित्त मंत्री ने बजट पेश किया। यह बजट हम समाजवादी लोगों का मानना है कि यह बजट देश के 30% लोगों का बजट है। 70% लोग इस बजट में उपेक्षित हुए हैं। आज जो देश बेरोजगारी से जूझ रहा है, महंगाई से जूझ रहा है, आर्थिक मंदी से गुजर रहा है, सरकार का इसमें कोई थीम नहीं है, कोई रणनीति नहीं है कि देश की बेरोजगारी कैसे दूर होगी, महंगाई कैसे दूर होगी। और भारत चूंकि कृषि प्रधान देश है, लेकिन इसके बावजूद किसानों के लिए जो रोड मैप तैयार होना चाहिए था, रोड मैप तैयार नहीं हुआ। हम समाजवादी लोगों का मानना है, हमारी पार्टी का मानना है कि केंद्र सरकार ने यह बजट अडानी अंबानी जैसे 30% समृद्ध लोगों को प्रस्तुत किया है, समर्पित किया है। आम लोग पूरी तरह से उपेक्षित है, जिसके विरोध में आज समाजवादी पार्टी ने प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री का पुतला दहन करने का काम किया है। सर, आपका पूरा परिचय? ये पप्पू यादव, जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी मुंगेर।